डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ अरफात मुजी फ्रॉम FEI हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट। टुडे आई एम विद चैप्टर नंबर 6। चैप्टर इज अबाउट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड इन दिस चैप्टर माय टॉपिक टुडे इज एपिकल्चर। एपिकल्चर क्या होता है एंड इट इज 9th क्लास बायोलॉजी। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एपिकल्चर। वर्ड से नाम पता चलता है एपी एपिस, दे आर एपिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द होनी बीज। एंड कल्चर, कल्चर सिंपली रेफर्स टू रेयरिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म रेयरिंग ऑफ एपिस, दैट इज रेयरिंग ऑफ होनी बीज। वी आर रेयरिंग द होनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ होनी। Honey is a nutritious food. It contains the nutrients in it, and it has economical in value, and it has many uses. Now, in an apiculture, there is a rearing of honeybees in a large number in a bee hives. में हम इनको rear करते हैं, तो in order we can say apiculture means rearing of honeybees. Rearing of honeybees in a bee hives. Bee hives in order in the production of honey. On a commercial scale, is known as apiculture. We are raising the honey bees in their combs, yeah, we can say in the bee hives. In order, we have a huge production of honey, and there is a production of honey and is a commercial value. Yeah, it is a commercial in use. Then this rearing of honey bees in this way is known as the apiculture. हम apiculture artificial तौर पे rear कर रहे हैं. There is a artificial rearing of honey bees in artificial hives. तो हम इसको कहते हैं, इस टर्म को कहा जाता है एपेरीज। दिस इज नोन एज एपेरीज। इफ देर इज अ आर्टिफिशियल रेयरिंग ऑफ होनी बीज in an artificial way in their artificial homes, that is the artificial hives, this is called the apiaries. And when there is a commercial production of honey, and in the, there is a commercial production of honey in this apiaries, in the apiaries is known as a apiary. Term yaad rakha, this is known as when there is a artificial production, then when there is a production of honey in a artificial designed bee hives, and this process, this practice is known as apiary. And And the culturing of honeybees in their artificial bee hives is known as apiaries. So, ye yahan pe hum in order we have a production of honey. Now, these days it is culturing on a commercial value in order to have a delicious taste production of honey. Now, we have apiculture mein. We have 6 species of honeybees. Those are first
एपिस, द साइंटिफिक नेम एपिस डॉर्सेटा, इट इज कॉमनली नोन एज द रॉक होनी बी, इट इज लार्जेस्ट इन साइज एंड इट इज माइग्रेटरी, इट इज वाइल्डली इन फाउंड माइग्रेटरी एंड देर इज इट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट एरियाज, दैट मीन वाइल्ड इन द हैबिटेट. सेकंड वन देर इज द एपिस इंडिका, इट इज द इंडियन होनी बी, इट इज नोन एज द कॉमन नेम इंडियन होनी बी, इट इज इंडिजीनियस स्पीशीज एंड इट इज कल्चरिंग इन एपिकल्चर एंड देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ होनी, दैट इज लेस प्रोडक्शन ऑफ होनी ऑफ एपिस इंडिका एंड इट इज डोमेस्टिकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ द होनी. देन देर इज द एपिस एपिस फ्लोरा, दिस इज नोन एज द लिटिल होनी, सॉरी लिटिल होनी बी, एज इट इज लिटिल इन साइज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द इटालियन होनी बी, इटालियन होनी बी एपिस फ्लोरा. देन इज द फोर्थ वन इज द एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरस, मेलिफेरस एपिस मेलिफेरस इज द इट इज नोन एज द इसको लिटिल होनी भी कहा जाता है एपिस फ्लोरा, ये इनमें से छोटी है. एपिस मेलिफेरस इज नोन एज द इसको कहा जाता है इटालियन, इटालियन होनी भी. वो देयर आर द वाइड वेराइटीज ऑफ होनी बी इज फाउंड इन द दिस इज फाउंड इन द इंडियन कॉन्टिनेंट्स, देयर इज द इंडियन डॉर्सेटा फ्लोरा एंड मेलिफेरा, दीज आर द एग्जोटिक स्पीशीज ऑफ, एग्जोटिक स्पीशीज ऑफ होनी बीज, दे आर फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड दे आर कल्चरिंग इन द एपीकल्चर. दिस इज अबाउट द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ होनी बीज वी आर रेयरिंग इन ऑर्डर टू हैव अ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ होनी. एंड जो एपिस मेलिफेरा जो है इट इज डोसाइल इन नेचर, शरीफ माना जाता है, हाई प्रोडक्शन ऑफ होनी, इट गिव्स हाई प्रोडक्शन ऑफ होनी एंड इट हैज़ गुड डिफेंस मैकेनिज्म, दुश्मन के सामने लड़ सकती है, अपने आप को बचा सकती है और इट एंड आर वेरी इजी, जब इनका डोसाइल नेचर है एंड दे आर वेरी इजी टू रेयर देम इन द प्रैक्टिस ऑफ एपिकल्चर इन द एपेरी, इट इज देर इज अ पॉसिबल वे ऑफ डोमेस्टिकेट द एपिस मेलिफेयर्स, दैट इज नोन एज द इटालियन होनी बी कॉमनली इन जनरल एंड हाई प्रोडक्शन ऑफ होनी एंड हाई प्रोडक्शन ऑफ एग्स, द फीमेल इसमें जो क्वीन है एपिस मेलिफेरा में फेरस में उसमें जो क्वीन है दे ले अ ह्यूज नंबर ऑफ एग्स. और यहाँ पे इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने देखा एपिकल्चर में देयर इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, देयर इज पॉलीमॉर्फिज्म, दैट मीन्स दे हैव अ फैमिली, दे हैव अ और फैमिली इन फैमिली दे हैव क्वीन, इन देयर फैमिली दे हैव ड्रोन, इन देयर फैमिली दे हैव द वर्कर्स. जो क्वीन है, क्वीन जो है ये फर्टाइल है एंड इसका काम क्या है, इसका काम है टू ले एग्स, टू ले एग्स इन ह्यूज इन नंबर. ड्रोन जो है क्वीन इनमें फीमेल होती है, इट इज अ फीमेल फर्टाइल, जो ड्रोन है इट इज द मेल फर्टाइल, दैट मीन इट कैन फर्टिलाइज द क्वीन व्हेन दे हैव व्हेन दे आर फॉर द मेटिंग, को मेल ड्रोन फर्टाइल द क्वीन, देर इज अ
fertilization, there is a mating between them. There is the mating. Male fertile the queen, then she lays eggs. एंड ये इसका जो वर्कर्स होता है ये होते हैं मेल, ये फीमेल से होते हैं वर्कर्स मगर स्टाइरल होते हैं, दैट मीन्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कॉन्ट रिप्रोड्यूस. गो इन द एपिकल्चर यू विल फाइंड दैट दे हैव द पॉलीमॉर्फिज्म इन देयर फैमिली. दे हैव थ्री टाइप्स ऑफ मेंबर्स. One is the queen, other is the drone, third is the workers. Workers collect करते हैं, इनके बढ़िया रोल होता है. All the members are the important, but most important are workers. They collect collection of pollen grains and production of honey. Production of honey and look after the bee hives. इनका ये तीनों काम है. They perform the all the functions. They sit out to collect the nectar and pollen grains, and with the help they produce the honey, and they also look after the comb, जो जहाँ पे they look after the bee hives, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे मतलब ये बाकियों को केयर ऑफ करते हैं, दुश्मन को प्रोटेक्ट, दे डिफेंड सम वर्कर डिफेंड द डिफेंड डिफेंड दे आर द डिफेंडर दे डिफेंड द बाय द अटैक ऑफ द एनिमीज. ड्रोन हैज वन फंक्शन दैट वन टाइम शी ही गोज टू विद द क्वीन एंड देन देयर इज अ मेटिंग कॉपुलेशन वन डे. Then they fertile the queen, and the queen lays huge number of eggs. They also the workers, ये servant की तरह काम करते हैं. They care the eggs in combs. ये care भी करता है इनको, मतलब साफ सफाई का ख्याल भी रखते हैं. Could they have the three types of members in them. वर्कर्स बहुत हार्ड वर्कर होते हैं. क्वीन जो होते हैं दे ले डाउन द फर्टाइल एग्स ह्यूज इन नंबर, इसका यही काम होता है. फिर ड्रोन जो होता है ये फिर इस बी हाइव्स में खाते पीते का ही काम करता है. फिर ये किसी काम का कहीं नहीं रहता, फिर इसको निकाला जाता है जब ये ऐसे सुस्त और कायल पड़ जाता है. तो दे आर किलर्ड बाय द वर्कर्स. Then after इसका काम हो गया. एपिकल्चर में क्या होता है, एपिकल्चर में when there is the production of honey, and यहां पे एपिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है. There is the production of the honey. Honey contains different nutrients. It contains carbohydrates, proteins, vitamins, minerals. Water is present in the honey. That means honey जो है इसका antiseptic value भी है. ये दवाई जैसा काम भी करता है. And they have the sedative value. Or it helps in digestion, it helps in the vomiting, stomach problem, liver में खराबी हो इसके लिए ये antiseptic proof होता है. Also it helps and also there is the importance of apiculture. There is a formation of bee waxes and bee waxes have importance. It is used in the formation of cosmetics, paints. They are also helps in the production of the. They are involved in the ointments. They help us in the formation of ointments. Also,
In the epic culture, we have the बी विनोम जो है ये डिजीज जो है गाउट एंड अर्थराइटस के लिए ये क्योरेबल है। बी वेनोम इनका जो मुंह से जो डिस्चार्ज निकलता है, दे हैव बीन प्रूव्ड एंड फॉर दिस पर्पस। ऑल्सो देयर इज द रॉयल जेली हम बच्चों को दे देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, ये उनमें क्योरेबल रहता है एंड न्यूट्रिशियस रहता है, बच्चों को दिया जाता है। एंड जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये क्योरेबल है, हार्ट पेशेंट्स रॉयल जेली। दैट मीन व्हाट आर द डिफरेंट इम्पोर्टेंसेस ऑफ द हनी। देन ऑल्सो द इटसेल्फ द हनी बी जो हनी बीज है, दे आर एज अ एजेंट एजेंट्स इन कॉजिंग द शबश क्रॉस पॉलिनेशन, इन कॉजिंग द क्रॉस पॉलिनेशन होनी भी ऑल्सो आर इन द एपिकल्चर, दे आर इम्पोर्टेंट। एंड वॉट इज द अनदर इम्पोर्टेंस इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिकल्चर इन अ होल, देन इज द इकोनॉमिकल, इट इन इट मेक द इकोनॉमिकल वैल्यू टू द फार्मर्स, टू द फार्मर्स इट प्रूव द इकोनॉमिकल इंक्रीज इट्स इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ दैट मीन इट हैज मोस्ट इम्पोर्टेंस एज द फॉर इन द व्हेन देयर इज द कल्चरिंग ऑफ द एपीज हनी बीज, देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हनी हैज विद द प्रोडक्शन ऑफ हनी देर आर ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ अदर बाई प्रोडक्ट्स विच हैव इट्स ओन यूटिलिटी इन आवर डे टू डे लाइफ, इट हैज हाई कॉमर्शियल वैल्यू एंड इट इज इट द फार्मर्स कैन मेक द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स बाय हैविंग द एपिकल्चर इन अ पॉसिबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक बेसिस पे अगर वो चलाए, दैट मीन जनरेट द इकोनॉमिकल। जो यहाँ पे एक प्रैक्टिस किया जाता है एपिकल्चर के साथ साथ एक प्रैक्टिस किया जाता है, दैट इज नोन एज द पैश्चुरेज। पैश्चुरेज क्या होता है ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिस दैट मीन्स हियर इज द हमें यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्शन करना होता है, पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ इन दिस देयर शुड बी पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स इन ऑर्डर टू जनरेट हाई प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ पोलेंस एंड नेक्टर्स इन फ्लावर्स, ताकि यहाँ होनी भी अच्छी कलेक्शन, दे कैन कलेक्ट द हाई क्वालिटी ऑफ पोलेंस एंड नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर्स विद द हेल्प, दे कैन गिव द फॉर्मेशन ऑफ द उन्हीं से बांधता ना होनी। देन या पैस्यूरेज एपिकल्चर के साथ साथ यू हैव टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ यू हैव द प्रैक्टिस ऑफ पैस्टुराइज। इन द पैस्टुराइज देयर इज अ पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ जनरेटिंग ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज हर्ब्स इन ऑर्डर देयर इज अ हाई क्वालिटी दीज फ्लावरिंग प्लांट्स हाई क्वालिटी फ्लावरिंग प्लांट शुड बी ग्रोन, दे शुड बी प्रोटेक्टेड मेंटेनड, सनफ्लावर ऑलमंड्स एप्पल ट्रीज मैंगो ट्रीज बनियन ट्रीज जो फ्लावरिंग प्लांट्स हो, नीम ट्रीज जो बहुत सारे फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटल प्लांट जो होते हैं हमारे बाग बगीचों में, पूरा इसके साथ साथ
हमें क्या करना, उसको केयर करना है. वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, वी हैव टू जनरेट द गार्डन्स. फ्लावरिंग प्लांट शुड बी ग्रोन, प्लांट शुड बी ग्रोन, फ्लावरिंग प्लांट शुड बी डेवलप्ड मच एंड मोर इन नंबर. देयर इज अ हाई प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड नेक्टर्स दैट कैन बी कलेक्टेड बाय द होनी बीज इन ऑर्डर इन द फॉर्मेशन ऑफ द होनी. यही हमें मकसद है किसमें, एपिकल्चर में. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वट इज एपिकल्चर एंड वट डिफरेंट स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन द एपिकल्चर एंड वट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपिकल्चर. तो किस गरज से हम इसको, देयर इज अ कल्चरिंग ऑफ एपिस, एपिस मीन होनी बीज. हाँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.